सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तो अपना काम करना, मरवाएगा क्या? अरे उठा नहीं, उठा चली। कौन है? ए, कौन है उधर? कौन है? शेरनी! पिकनिक मनाएंगे और झरना भी देखने जाएंगे। हाँ बेटा। मॉम। हाँ? जरा थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकवाइए ना प्लीज। ऐसे जंगल में नहीं रोक सकते ना। बहुत जोर की आई है। ठीक है। ड्राइवर जरा रोकना गाड़ी। अरे मम्मी अब कार में बैठो ना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे शर्म आती है। बेटा अकेले नहीं छोड़ सकती तुम्हें जंगल में। ओके मैं फेस टर्न करती हूँ। बेटा यहाँ क्यों आ गए? चलो। चलो। तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? हाँ सर। सर ये सब जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना है नहीं, पर दोषी जो कोई भी हो सर मैं उसे सजा दिलवा के जरूर रहूंगा। विनोद तुम मेरे लिए सिर्फ एक फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। जानता हूँ सर। मैं जानता हूँ कि तुम जो भी करोगे सही करोगे, लेकिन ध्यान रखना ये काम बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल मेरे छोटे शेर, तुझे क्या लगता है टाइगर आजकल सबके घर की चाबियां लेके घूम रहे हैं? नॉटी। वैसे तो मैं पापा डर गए, पापा डर गए। कुणाल तुम टीवी देखो, मैं ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ। ओके पापा। सी यू। विनोद बात भी नहीं करोगे? अब कहने सुनने को बचा ही क्या है?
बाहर ना निकले। लुक पापा, आपके जंगल में एक मैन ईटर टाइग्रेस है, मैंने इसे देखा आज, ये सच में मैन ईटर है। बेटा बाहर मत जाना, ओके? ओके। और ऐसे में तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा काम है, मैं अपने काम की वजह से इस जंगल में रहता हूँ, वरना शहर जाकर तुम्हारी तरह याशी मैं भी कर सकता हूँ। भाभी, मेरे सारे काम खत्म हो गए, अब मैं जाऊँ? हाँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कम। आप कैसे हैं? अल्लाह का रहम है, सिकंदर का निकाह है ना, तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं। तेरे चाचा जान तो बड़े खुश हैं, बेटे का सेहरा जो सजा रहे हैं। तू आ रहा है ना? अम्मी मैं कहाँ आ पाऊंगा, काम से फुर्सत ही नहीं। तू और तेरा काम, तुझे कभी फुर्सत ही नहीं मिलती आने को। सर, अम्मी मैं आपको बाद में। जी खुदा, क्या बात है मियां, क्या आफत आ गई? सर कल रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा सर, आप सबकी जान खतरे में है और मैं ढाल बनके आप सबकी जान बचा रहा हूं। मैं सूखे पत्तों की ढाल नहीं बनती। हवा आएगी तो तुम खुद उड़ जाओगे। जानता हूं सर, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही, इसलिए तो मैं ये काला धागा लेके आया हूं सर, ये आपको बुरी बला से बचाएगा। हटो हटो हटो। शंभू जी, हमें बुरी बला से बचने की जरूरत नहीं, बुरी बला को हमसे बचने की जरूरत। अरे सर लेकिन, इसलिए ये काला धागा बुरी बला के पैर पे बांधवा। जंगल में एक नरभक्षी बाघिन ने दो लोगों को जान से मार डाला है। उसके मुंह में इंसानी खून लग चुका है और वो पूरी तरह से नरभक्षी बन चुकी है, इसलिए जंगल के आसपास रहने वाले लोगों से वन विभाग ने आग्रह किया है कि वो जरा संभल कर रहे और रात में कहीं भी बाहर ना निकले। कुछ दिनों पहले इस नरभक्षी ने दो आदमियों की जान ले ली है। बेचारे सर, ये तो बहुत गलत हुआ। पर गलती कहीं ना कहीं हम इंसानों की ही है। अगर हम लोग इसी तरीके से नेचर के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो सजा भुगतनी है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल छोटे हो रहे हैं, ऐसे में जंगली जानवर करें तो करें क्या? पर कहीं इसी तरीके से इंसानों के साथ रूबरू हो जाते हैं तो फिर या तो इंसान जानवरों को मारता है या जानवर इंसान को मारते हैं। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, जरूरत है बैलेंस बनाने की, या ना किसी की जीत हो ना हार। क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। नरभक्षी का केस सुना? हाँ, जिसने दो आदमी को मारा था और पिछले हफ्ते एक फॉरेस्ट ऑफिसर की भी जान ली है ना? जी सर, मेरा एक जूनियर वहीं के पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, उसने मुझे उन लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भेजी। ये देखिए, सर एक अजीब सी बात है,
उन लाशों पर बाघिन के दांतों के निशान तो हैं, लेकिन सलाइवा के नहीं। दोनों में से एक भी लाश पर नहीं। तो हो सकता है ये लाशें पानी में मिली हो। सर, मैंने भी यही सवाल किया था, लेकिन जो पहले मरा था उसकी लाश पानी के पास थी और नवीन की लाश के पास पानी नहीं था, तो उसकी लाश पर तो सलाइवा मिलना चाहिए ना। जैन सर, ठीक है सर, देखते हैं। जैन सर, आपका तीर सही निशाने पे लगा है। कमिश्नर साहब को भी लगता है कि इस केस की पूरी जांच होनी चाहिए। हमें वहां जाना होगा। अगर आप लोगों को जरा भी शक है कि विनोद की हत्या हुई है तो मैं अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए रेडी हूं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो आप लोग विनोद के ऑफिस से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया। ये सब माजरा है क्या? एक बाघिन है जिसका नाम अवंतिका, ये उसके दो बच्चे हैं। कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने अवंतिका के बच्चों को चुराने की कोशिश की थी। अवंतिका ने उन दोनों लोगों को मार दिया था। उनमें से एक का नाम था तुलसी और एक का गोपाल। गोपाल की लाश तो हमें बहुत ही बुरी हालत में मिली थी, लेकिन तुलसी की लाश तो हमें कभी मिली नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि वहां दो आदमी गए थे? हमने हाईवे वाले सीसीटीवी कैमरे से चेक किया था, वहाँ दो लोग आए थे, गोपाल और तुलसी। दूसरे आदमी की चप्पल भी हमें वहाँ मिली। उसके बाद अवंतिका अपने बच्चे को लेकर जंगल में कहीं गुम हो गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर हम उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके। अवंतिका नरभक्षी हो गई है। और इस बार उसने विनोद और लाली की जान ले ली। जी हाँ, विनोद की लाश हमें बहुत बुरी हालत में मिली थी, लाली की तो हमें लाश भी नहीं मिली। एक मिनट, ये ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बार आपको एक की लाश मिली और दूसरे की नहीं? कई बार ऐसा होता है कि बाघ और शेर अपने शिकार को घायल कर अपने बच्चों के सामने डाल देते हैं, ताकि उनके बच्चे शिकार करना सीख सके। अवंतिका ने भी ऐसा ही किया होगा। तो क्या आपको लगता है कि विनोद की हत्या के पीछे किसी का हाथ हो सकता है? विनोद ने उस दिन मुझे फोन किया था। उसे शक था कि वहाँ के आदिवासी जो हैं वो जानवरों की खाल और हाथी के दांत की स्मगलिंग में शामिल है। उसने उस दिन मुझे बताया था उसे इन लोगों के सरदार पे शक है। वो कबीले का लीडर? हाँ, वो गांव वालों को भड़काता रहता। अगर अवंतिका ने लाली और तुलसी को मारा है तो जंगल में उनकी लाश तो मिलनी चाहिए। कपड़े, स्कल, हड्डियां। हनुमान, तुम सुशांत और शंभू के साथ जाओ, जाके देखो जरा। मैं जाके क्या करूंगा सर? वो काला धागा है ना, उसको बांध के जाओ। अच्छा, विनोद का परिवार? पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हम तो उन्हें सरप्राइज देने आ रहे थे, लेकिन देखिए, हम आपका दुख बांट तो नहीं सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि विनोद को अवंतिका ने नहीं, उन्हें किसी इंसान ने मारा। ये मर्डर है। आपको आपको कुछ अनयूजुअल लगा था क्या उस दिन? जी, जिस दिन विनोद की बॉडी मिली मैं घर गई। हमारे घर में चोरी हुई थी। क्या क्या चोरी हुआ था? बस
विनोद का लैपटॉप। ओह, अच्छा विनोद की बॉडी के पास उनका मोबाइल मिला था क्या? नहीं, उस दिन विनोद घर आए, बहुत टेंस थे वो, सीधा अपने रूम में गए और कुछ लिखने लग गए, वो बस चले गए। फिर हम उनका रूम देख सकते हैं? जी। सर, ये ऊपर इस फाइल में कुछ कुछ अजीब सा लिखा है, अजीब सी कविता, ये देखिए। जंगल का राजा, राजा की रानी, तेली का तेल, तेली कहे भाऊ, खाट में खटमल बड़े मोटे, खटमल जो काटे हम कहे आओ। ये आपके बेटे कुणाल ने लिखा है क्या? जी नहीं, शायद लाली ने लिखी हो। ये लाली बहुत क्लोज थी क्या? जी, 16 साल की बच्ची थी, उसके मामा उसकी शादी करवा रहे थे, विनोद ने उन्हें रोका, उसे एनजीओ शिफ्ट करवाया। उस बच्ची के लिए विनोद ने पूरे कबीले से दुश्मनी मोल ले ली। ऐसे? अच्छा, अभी हम चलते हैं, अगर कुछ जरूरत हुई तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे। पापा, मुझे पकड़ो, मैं आ गया हूँ। पापा! पापा! सॉरी बेटा, अगर हम लोगों के आने से आप डिस्टर्ब हुए हो तो। अंकल, क्या सच में किसी ने मेरे पापा को किल कर दिया? बेटा, अभी क्या आप लोग मेरे पापा के किलर्स को पकड़ोगे? पापा बहुत ही हैप्पी रहते थे, लेकिन वो हैप्पी अभी नहीं गए। मम्मा और पापा में बहुत टेंशन थी, मुझे लग रहा था कि सब पहले की तरह हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन लेकिन अब पापा कभी वापस नहीं आएंगे। क्या मम्मी और पापा के बीच में टेंशन? कैसी टेंशन थी बेटा? पता नहीं। भाजा, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? कछु ज्यादा अच्छे से स्वागत कर दिए क्या हमारे आदमी? ये कैसी बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, वो भी हमारी जमी पे आकर हमको आग दिखाकर। तुम्हारे विनोद ने भी हमका आग दिखाई। चल लाली, 16 साल की है, आप इस बच्ची से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते।
आज से लाली की पढ़ाई लिखाई और रहने की सारी जिम्मेदारी यहाँ का एनजीओ लेगा, और अगर किसी ने भी इस पर जोर डालने की कोशिश की तो मैं सबको जेल भिजवा दूंगा। समझाए हमू को नहीं समझे, अब देखो क्या हुआ बेचारे का हाल। तुमको समझा रहे हैं हम, चले जाइए अपने शहर। अब कौन जाने अवंती का अगला शिकार तुम्हारा ही कर डाले, क्योंकि माँ को तो हमने पाला इसलिए हमको पहचानती है, लेकिन तुम्हारी रखवाली कौन करेगा? जंगल में रहकर जानवरों की तस्करी करते हो, भोले भाले आदिवासियों को अपने बातों में उलझाकर उनके सरदार बने बैठे हो। तुमने ही मारा ना बिनो। बाबू लौट जाइए, हमरे ऊपर तुम तो कहा कौन वो हाथ नहीं डाल सकता। सर मैंने लाली और नवीन इन दोनों के मोबाइल ट्रेस किए हैं और वो उसी एरिया में बंद हुए थे। अच्छा ओके थैंक यू। अरे यार वहां पे तो ना तो विनोद का मोबाइल मिला और ना ही लाली। सर हो सकता है मयूरी सच कह रही हो सकता है कि मोबाइल फोन किसी लोकल के पास हो और उसने अपने पास रख लिया। वो तो सकता है, पर पता नहीं मुझे बार बार क्यों लगता है कि इस लेटर में ही कुछ छुपा हुआ है, कोई कोड। ये देखो बीच बीच में जो वर्ड्स है ना ये कैपिटल में RTAHKA, क्या हो सकता है ये? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी बच्चे का लिखा हुआ है और अब CIF की टीम उस बच्चे के लिखने का मतलब ढूंढ रही है। क्या बात है शंभू जी, क्या दिमाग पाए आप। बार बार क्यों अटक? सर हमने तो जंगल में सब जगह ढूंढा, वहां तो कुछ भी नहीं मिला, और वो कबीले का सरदार उस पर मुझे पूरा डाउट है। मैं मुझे भी ऐसा लगता है कि ये अवंतिका का काम नहीं है। अरे बिना किसी ठोस सबूत के हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हनुमान। लाली और तुलसी के बारे में कुछ तो सुराग मिलना चाहिए। तुम लोग जाओ उस नरबख्शी बागिन के एरिया में, वहां सर्च करो। क्या बात है साहब, उस नरभक्षी के इलाके में जो गया वो मारा गया। वो विनोद साहब उस नरभक्षी के इलाके में बार बार जाते थे, जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन भी वो उसी इलाके में गए थे। कौन था वो आदमी? पता नहीं साहब, कभी देखा नहीं, शायद बाहर का होगा। और वो पेन ड्राइव में क्या था? मालूम नहीं साहब। जरा ये कागज देखो, इसमें कविता लिखी है। कुछ मालूम है विनोद साहब को कौन ये पोएम भेजता था? कौन लिखता था ये तो पता नहीं, लेकिन कुरियर वाला उनको एक लेटर देके जाता था। एक बार उनके टेबल पे एक लेटर देखा था जिस पे कविता लिखी थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है जा सकते हैं। ये गुत्थी क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये विनोद इस नरबख्शी बागिन अवंतिका के इलाके में क्या करने जाता था? हाँ यहाँ बड़ा उलझा हुआ मामला है, इस विनोद के बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा। तुम लोग जाओ अवंतिका के एरिया में, पता करो तुलसी और लाली के बारे में कुछ मिलता है क्या, और वो पेन ड्राइव उसका भी पता लगाना होगा। ढूंढो उसे विनोद के घर में, यहाँ उसके ऑफिस में, जंगल में, हर जगह ढूंढो। और मैं इस पोएम के पीछे पड़ता हूं।
देखो आसपास, पूरे इलाके को छान मारो। शंभू जी, मैं हूं, मैं कुछ मिला क्या? सर, बागी नवंतिका का पट्टा मिल गया सर। बिल्ले पर खून लगा हुआ है। वो बिल्ला बागिन अवंतिका का ही था। हमने उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया ये पता करने के लिए कि उस पे जो खून लगा हुआ है कहीं किसी इंसान का तो नहीं। यार वो पेन ड्राइव तो नहीं मिली, मगर ये क्रैक हो गया है। ये देखो, ये जो कैपिटल लेटर थे KHATRA, खतरा। मतलब कोई विनोद को किसी खतरे से आगाह कर रहा है। कौन हो सकता है वो? हाँ जैक। सर, एक अपडेट है। मैंने विनोद के बारे में कुछ डिटेल्स निकाली है, एंड उस डिटेल्स के हिसाब से वो किसी गोपाल के साथ टच में था। गोपाल? अरे यार, ये गोपाल तो स्मगलर था। विनोद का गोपाल से क्या काम हो सकता है? नहीं, ये विनोद खुद तो स्मगलिंग में शामिल नहीं था। इनका आपस में किसी बात पे झगड़ा हुआ हो और उन लोगों ने विनोद को मार दिया। हाँ सर, बाय द वे, जब मैंने उसका मेल अकाउंट हैक किया तो उसने कुछ मेल्स अपनी वाइफ को भी किए। मैं आपको मेल सेंड कर रहा हूँ, समथिंग इंटरेस्टिंग। भेजो। दीपक और मैं कॉलेज के दोस्त थे। कॉलेज के बाद हमारी बातचीत बंद हो गई, लेकिन अब 6 महीने पहले मैंने नई जॉब ज्वाइन की और वहाँ दीपक भी काम करता था, लेकिन पता नहीं क्यों विनोद हम पर शक करने लगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने मुझे फोटोज ईमेल की। उसने लिखा कि तुम सबूत चाहती थी ना, उसके बाद उसने मेरे सारे फोन कॉल्स अटेंड करना बंद कर दिया। मैं उससे बात करने ही यहाँ आई थी। बात करने या मर्डर करने? दीपक के फोन के लोकेशन से पता चलता है कि उस रात जो वहीं पे था। अरे तुम आई वहां पे, उसके बाद दीपक। कहीं आप लोगों ने मिलकर तो नहीं मारा विनोद? नहीं सर, मैं तो विनोद को समझाने गया था कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जो कहानी बनानी है बना दीजिए, सच तो सामने आके रहेगा। रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है किस पर एतबार करें और किस पर नहीं। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अवंतिका का फाइल है। DNA से मैच करके देखा तो पता चला कि बिल्ले पे जो खून था वो अवंतिका का ही है। बैच पे अवंतिका का खून, पूरा जंगल छान मारा, नरबक्षी के इलाके में भी गए, अवंतिका का कहीं कुछ पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवंतिका मर चुकी है? और अगर अवंतिका नहीं है तो फिर ये नरबक्षी का खौफ क्यों? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नरबक्षी वाले एरिया में स्मगलिंग का काम चल रहा हो और उसी को कवर अप करने के लिए बात फैलाई गई है कि नरबक्षी एरिया है। यही बात है मियाँ। चलो, इतना तो साफ है कि गोपाल और विनोद का किसी ने खून किया है,
पर ये तुलसी और लाली कहाँ हैं? मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो आदमखोर है। ऐसा लग रहा है वो हमारे आसपास ही कहीं है। शंभू जी, आप लंबी लंबी सांसें लीजिए। लेकिन रात को जंगल में रोशनी, ये कौन हो सकता है? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह देख लेते ना। मुझे सुबह तक वो तुम्हारा इंतजार करेगा यहाँ पे। एक काम करो, आप यहीं बैठे। सुशांत, अरे रुको तो, रुको, मुझे अकेला छोड़ के चले गए सब। हनुमान सर, हनुमान सर, हनुमान सर, सुशांत देख लो मेरा। ए छोड़ो, छोड़ो मुझे, ए छोड़ो, अरे क्या हो गया यार? शेर का शिकार करने आए थे, एक गीदड़ को ही गोली मार दी। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मुझे से गीदड़ को क्यों मार रहे हो? अरे बुड्ढा क्यों? आप लोगों को पाप लगेगा। छोड़ना नहीं, मुझे जाल में फंसा दिया इन लोगों ने, पकड़ो। तुझे तो गोली सही जगह पे मारूंगा। बहुत भाग लिया, चल चल। चुपचाप खड़े हो यहाँ पे। सर कौन है तुम तीनों का बाप? किसके कहने पे किया ये सब तुम लोगों ने? सब सरदार, हनुमान सर मुझे तो छुड़ाओ ना। ये सब झूठ बोल रहे हैं लोग। सच सच बोलो, इंसानों को झूठ मारूंगा। सच तो तू बोलेगा सरदार। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि तूने ही विनोद को मरवाया है। मरवाया साहब, शेर हूं मैं, और शेर अपना शिकार खुद ही करता है, कोनू लोमड़ी से नहीं करवाता। तो तुम मानते हो कि विनोद का खून तुमने किया है? अरे साहब ऐसा कब बोले हम? तुम लाली से शादी करना चाहते और विनोद ने ये शादी होने नहीं दी, और विनोद तुम्हारे काम के आड़े भी आ रहा था तो तुमने उसे मरवा दिया। मैडम जी, पहले पूरा सबूत लेके आइए, वो भी पक्का, तभी सरदार अपने आप को आपके हवाले करेगा। और कहा है कि ना तो हम शिकार करते हैं और ना करने देते हैं। ये जंगल और यहाँ के जिनावर हमरे देवी देवता है, और जोनू ससुरा हमरे देवी देवता को मारेगा तो हम उका जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर, मैंने बैंक डिटेल्स निकाली है, एंड गेस व्हाट, इसने पिछले महीने 10 स्पाई कैमरास खरीदे हैं। व्हाट? स्पाई कैमरा? हाँ। ओके, थैंक यू। यार विनोद ने 10 स्पाई कैमरे खरीदे थे, कहीं वो अपनी बीवी पे जासूसी तो नहीं कर रहा था? हमें कहा 10 कैमरे? उसके घर को अच्छी तरीके से चेक किया गया था, वहां तो कैमरे नजर नहीं आए, और यहाँ ऑफिस में भी ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा कहाँ लगाया होगा? जंगल, वो नरबक्षी वाले एरिया में देखो, शायद वहां लगाया हो। सर आसपास देखो, एक कोना छान मारो।
चांद उतारो से। कौन है वहां? पकड़ो से। इसे निकालते हैं, संभल गए। सर उस नरबक्षी वाले इलाके में स्पाई कैमरा तो मिले हैं, पर उसमें चिप नहीं था। चिप कहाँ है? सर मैं नहीं जानता सर। वो कौन तुम हैं? और वहां नरबक्षी के इलाके में क्या कर रहे थे? सर मैं तो बस साहब, ये वही आदमी जिसने विनोद साहब को लिफाफा दिया था। पेन ड्राइव वाला जी, क्यों मिले थे तुम विनोद से हैं? और था क्या उस पेन ड्राइव में? सर मैं कुछ नहीं जानता सर, मैं तो गोपाल का छोटा भाई हूँ सर। गोपाल सर, उनके मरने के बाद तो मैं घर साफ कर रहा था सर, और घर साफ करते होते सर मुझे एक लिफाफा मिला जिसे विनोद साहब का नाम था सर, तो मैंने बस वो लिफाफा विनोद साहब को दे दिया सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल और विनोद का खून कौन है ये पता नहीं है, ऊपर से लाली भी गायब है, छोटी बच्ची है बेचारी। सर हमें तो ये सब वहां के लोकल्स का ही काम लगता है, पहले विनोद को मार दिया और फिर लाली को कहीं छुपा के रख दिया होगा। कबीले की तलाशी लेते हैं सर। कबीले की तलाशी? सर इसमें बहुत बड़ा खतरा है। खतरा कहां नहीं है शंभू जी, हैं? तुम यहां पे खड़े हो, भूचाल आ जाए, नीचे चले जाओ तो, ऊपर से छत गिर जाए, हर जगह खतरा है। लाली का मिलना बहुत जरूरी है, और उस कैमरे की चिप का भी, कुछ तो छुपा है उसमें। सर कहीं उस कैमरे चिप की फुटेज उस पेन ड्राइव में तो नहीं है? हाँ यार हनुमान, लेकिन वो पेन ड्राइव कहां है? इस घड़ी ने बहुत परेशान कर रखा है सर, बार बार 5 बजे आकर अटक जाती है, मन करता है फोड़ दूं धक्के। मियाँ जब कभी एहसास हो कि जिंदगी कहीं थम सी गई है तो 2 कदम पीछे आके रुकें और सोचें कि आखिर इसकी वजह क्या है। आज मैं इसको ठीक ही कर देता हूँ यार। वही पेन ड्राइव तो नहीं है? अजय सर लगाओ इसको जरा। सर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्या पासवर्ड हो सकता है? जरा मयूरी डालो। नहीं सर। या कुणाल? नो। क्या हो सकता है पासवर्ड? डेंजर डेंजर डालो, शायद भी पासवर्ड हो सकता है। खुल गया सर। देखो क्या है इस वीडियो में। ये सारा खेल इस कॉटेज से हो रहा है। स्टॉप स्टॉप। ये है इन सबके पीछे, किसी ने विनोद का खून किया और लाली को किडनैप किया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि लाली को भी मार दिया हो? शंभू जी जिंदा भी तो हो सकती है लाली। लेट्स गो।
तो तुलसी क्या कर रहा है रे? क्यों मार रहा है इस बेचारी लड़की को? नहीं, ये भाग रही थी। अगर ये भाग गई ना तो सबको पता चल जाएगा कि विनोद का खून आपने किया है। लाली, तुझे भागने का बड़ा शौक है ना? तो ठीक है, मैं तुझे आज हमेशा के लिए आजाद ही कर देता हूँ। हनुमान जल्दी, जल्दी जल्दी। नहीं, नहीं, नहीं। आज तक सबको यही लगता है कि विनोद और गोपाल की हत्या उसी बागिन ने की है। नहीं, सबको यही लगेगा कि तेरी हत्या भी उसी बागिन ने की है। नहीं, भाग चलते। खेल खत्म तुम्हारा बच्चे। जंगल का करता धरता ही जंगल में सेंध लगा रहा था। जानवरों को मार के उनकी खाल की स्मगलिंग कर रहे थे तुम नरबक्षी के नाम पे। वंतिका कहाँ है? उसे तो मैंने कब का मारकर उसकी खाल तक बेच दी है। और गोपाल, गोपाल को क्यों मारा तुम लोगों ने? गोपाल को ये तुलसी लेकर आया था, लेकिन ये जानता नहीं था कि गोपाल विनोद का आदमी है। ये तुलसी ही गोपाल से फेस टू फेस डील करता था। काम करते करते गोपाल को ये पता चल गया कि ये सारी स्मगलिंग जो है वो मैं तुलसी के द्वारा करवाता हूँ। क्या करता मैं, मरता क्या ना करता, मैंने गोपाल का ही काम तमाम कर दिया। विनोद ने मुझे बताया था कि गोपाल नरभक्षी क्षेत्र की फुटेज बनाकर उन्हें पेन ड्राइव में डालकर विनोद को दिया करता था और पासवर्ड बाद में कुरियर से भेजा करता था, ताकि अगर कभी वो पेन ड्राइव किसी को मिले तो उसे कुछ समझ में नहीं आ सके। फिर विनोद ने मुझे एक दिन बताया कि गोपाल का छोटा भाई उसे वैसा ही एक पेन ड्राइव देने वाला है, जिसका कि पासवर्ड उसने उसको एक हफ्ते पहले ही दे दिया है। क्या करता मैं, हाँ मैं डर गया तो मैंने विनोद का भी काम तमाम कर दिया। विनोद ने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें अपने पिता का दर्जा दिया था, लेकिन पैसों के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने उसका ही खून कर दिया। ये जंगल, यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, तुम्हारा काम है उनकी रखवाली करना। तुमने सिर्फ उन्हें नहीं बेचा, अपनी रूह को भी बेच दिया। भेजा उसे।